आगामी 9 अप्रैल को जनता दल यूनाइटेड के द्वारा सम्राट अशोक जयंती समारोह का आयोजन होना है, लेकिन सम्राट अशोक पर कुछ विशेष परिस्थिति अभी 4-6 महीना पहले से बनी। सम्राट अशोक है विश्व प्रसिद्ध महान शक्तिशाली राजवंश। कोशिश हो रही थी सम्राट अशोक की गरिमा को गिराने की, उस कोशिश को नाकाम करने के लिए हम भी परिचय कुछ साथियों का उसमें समय लेंगे। बाकी तो नवीन आर्या जी ने परिचय करा दिया और आप जानते भी हैं सब लोगों को। एकाध सुभाष कुशवाहा जी हैं, ये महात्मा फूले समता परिषद के अध्यक्ष हैं और पार्टी में भी प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। और बाकी तो अभिषेक मृत्युंजय जी और सब लोग पहचान कराने की ज़रूरत ही नहीं है। उधर अंगद कुशवाहा जी पार्टी के महासचिव हैं बिहार के, और उनके बगल में धीरज कुशवाहा जी हैं, उप सचिव हैं पार्टी में। और हिमांशु पटेल पार्टी में भी सचिव हैं बिहार के और समता परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और जितेंद्र नाथ जी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। देखिए, एक जानकारी है आप सभी लोगों के लिए, आगामी 9 अप्रैल को जनता दल यूनाइटेड के द्वारा सम्राट अशोक जयंती समारोह का आयोजन होना है, पार्टी का यह फैसला है। इस जयंती समारोह की तैयारी पहले से चल रही है। पार्टी के अधिकांश साथी क्योंकि विधान परिषद के चुनाव में लगे हुए थे, तो कल ही चुनाव संपन्न हुआ है, तो उसके पहले महात्मा फूले समता परिषद की ओर से तैयारी बिहार भर में शुरू की गई और हर जिला में तैयारी के लिए बैठक भी हुई है। प्रभारी लोग वहां जाकर लोगों के बीच बैठक भी सब लोगों ने की है और उन बैठकों के माध्यम से तैयारी चल रही है। अब कल संपन्न हो गया काउंसिल का चुनाव, तो पार्टी के साथी भी अब इस कार्यक्रम की सफलता में जुटेंगे। तो यह जो कार्यक्रम है, समता परिषद का नाम भी हम पार्टी के साथ इसलिए ले रहे हैं, ऐसे आयोजक तो जनता दल यूनाइटेड ही है इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन सम्राट अशोक पर कुछ विशेष परिस्थिति अभी 4-6 महीना पहले से बनी, जिस पर एक प्रतिक्रिया देश भर में हुई और एक कहिए कि सोच समझकर पार्टी ने ही तय किया था। समता परिषद एक सहयोगी संगठन के रूप में है जनता दल यूनाइटेड में, तो उसको विशेष जवाबदेही थी। जो इतिहास सम्राट अशोक का है उसको धूमिल करने का प्रयास जब हुआ, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले प्रतिक्रिया उस कोशिश के खिलाफ दी और फिर समता परिषद ने उस वक्त पार्टी से सलाह परामर्श के उपरांत यह निर्णय लिया कि हम इस पर कार्यक्रम भी चलाएंगे। जो कुछ भी उस वक्त कोशिश हो रही थी सम्राट अशोक की गरिमा को गिराने की, उस कोशिश को नाकाम करने के लिए समता परिषद कार्यक्रम में समता परिषद की ओर से हुआ प्रतिकार उसका हुआ, और उसी क्रम में कई कार्यक्रम हुए और उसी को थोड़ा विस्तार देते हुए अभी भी जो समारोह होगा, तो स्वाभाविक रूप से उस समय जो हम लोगों ने कहा था प्रतिकार के रूप में, क्योंकि कोई भी कोशिश जो हिंदुस्तान की गरिमा के प्रतीक हमारे इतिहास
ये गौरव सबसे अधिक गौरव वाला जो क्षण था उसके प्रतीक जिनका नाम लेने से अभी भी हम लोगों का सीना चौड़ा होता है, समस्त हिंदुस्तान वासियों का और बिहार के लोगों का तो विशेष रूप से, बिहार की अस्मिता से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए हम सब लोग पहले से भी हैं और आज भी हम उस तरह की कोई कोशिश कहीं दिखती है तो उसको हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, कोई भी हिंदुस्तान का आदमी या बिहार का आदमी उसको नहीं करना चाहिए। तो इस रूप में इस अभियान को पहले से चला रहे हैं और जो जयंती का समारोह होगा इस समारोह में भी हम बहुत ज़ोर शोर से इसको करेंगे, इस कार्यक्रम को, ताकि कहीं कोई जो उस वक्त भी आप सब लोगों ने देखा कि कथित साहित्यकार ने टिप्पणी की, जो टिप्पणी बाद में जब हम सब लोगों ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके खिलाफ ट्वीट किया, कोशिश शुरू हुई, तो फिर बाद में दूसरे दल के लोगों ने भी उसमें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, सब लोगों ने उस घटना की निंदा की जो कथित साहित्यकार ने टिप्पणी की थी, तो उस टिप्पणी के खिलाफ सब लोगों ने बयान दिया। तो सब लोग इस राय के हैं, पक्ष विपक्ष सभी लोग बिहार में, क्योंकि ऐसा विषय है जिस पर कुछ बहुत राजनीति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष का मामला ही नहीं है, बिहार की अस्मिता का, देश की अस्मिता का सवाल है, तो तमाम राजनीतिक दल उसमें कोई पहले कोई बाद में, लेकिन आए सब लोग, सब लोगों ने उस कोशिश का विरोध किया, तो उसी रूप में समता परिषद की ओर से कार्यक्रम हुआ है और अभी पार्टी की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की ओर से जयंती समारोह का आयोजन है और समता परिषद उसमें सहयोगी संगठन के रूप में इसकी भूमिका होगी। तो मुख्य रूप से आज यही जानकारी देनी थी। जैसा कि आप सभी को बुलाया गया है, संसदीय बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जी ने आपको संबोधित किया, हमें यह कहते हुए खुशी हो रहा है, हो रही है कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड द्वारा सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है और मनाने का निर्णय लिया है। सम्राट अशोक है विश्व प्रसिद्ध है, महान शक्तिशाली राजवंश मौर्य काल के साम्राज्य थे, सम्राट थे, जिन्होंने अपने शासन काल में हमेशा ज्ञान विज्ञान और चिकित्सा के बढ़ावा दिए। उन्होंने अपने जो उन्होंने जो किया और अपने नेतृत्व और अपने शक्ति के बल पर अखंड भारत में राज किया उन्होंने, और हमारा पार्टी भी देख रहे हैं कि अपने पुरखों को जो समाज को मान सम्मान के लिए, देश के मान सम्मान के लिए जो काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने का, उनको समय समय पर हम लोग काम करते हैं जयंती मनाने का, और इसी के तहत जो है हम लोग पार्टी ने निर्णय लिया है, हमारे नेतृत्व ने फैसला लिया है कि जो हमारे जयंती मनाने का फैसला लिया गया है, और हम समझते हैं कि इस उदाहरण के स्वरूप में कि आप देख रहे हैं कि महान सम्राट अशोक जी का और दशरथ महाजी जैसे जो लोग हैं उनको हम लोग जयंती मना रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में 2015 में ही माने जयंती सम्राट अशोक जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय राजकीय जो अवकाश घोषित किया गया है, तो हमें इस बात का खुशी है। और आपने पूछा भी कि आप कैसे मना रहे हैं, ये तो पूरा अधिकार हमारी पार्टी के सब लोग का है, तो हम लोग जो समाज को जो एक ऊंचाई देने वाले लोग हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जनमानस के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए हमारी पार्टी हमेशा सदैव उन लोगों को प्रति श्रद्धा रखती है और उनके प्रति जो है आगे बढ़ के काम करती है, उनके विचारधारा पर हम लोग प्रभावित हैं और हम लोग जो है उनके आदर्शों को, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग जयंती मना रहे हैं उनको। और इस अवसर पर मैं बहुत आज खुशी का दिन है कि हमारे संसदीय बोर्ड ने, अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है कि पार्टी की ओर से और हमारे नेतृत्व जो पार्टी के जो नेतृत्व हैं जो सब लोगों ने फैसला लिया है, इस बात का हमें खुशी है और हम जयंती मनाएंगे।